Hello everyone, good evening to all of you and welcome back to my YouTube channel Rathod English Research Center. My dear friends, today we will discuss about the plan of future. हम आज जो है future के plan के बारे में हम चर्चा करेंगे. You know very well that कि whenever we express the future see present time कि if someone want to become and someone is happen in the present time, then we will use the structure subject plus is am are plus noun pronoun adjective. But now we'll be discussing about the future time according to the plan. So you also look on the board to whenever situation, position, condition and state of something or somebody in the future time. फ्यूचर टाइम यानी जब कोई व्यक्ति या वस्तु का कोई फ्यूचर में कोई योजना बनाया हो या कोई इरादा किया हो कि हम ये फन्नामा समय में हम ये करेंगे, देन वी विल बी यूज्ड दिस स्ट्रक्चर. यस माय डियर फ्रेंड, जैसे कोई बोलता हो कि हम ये करेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे या बनने को हो, यानी कोई हम प्लान क्रिएट करके हम उस प्लान के अनुसार हम अपने कार्य को जारी करते हैं, तब हम इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं. जैसे कोई बोलेगा कि राजू इंजीनियर बनने को है या राजू इंजीनियर बनने की इरादा कर लिया हो, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं. जैसे हम लिखते हैं एग्जाम्पल में कि राजू इज टू बी अ इंजीनियर, engineer, इंजीनियर. आपको शायद आपको तो पहले ही हम बता चुके हैं इज एम आर के बारे में कि इज किसके साथ प्रयोग होगा, एम किसके साथ होगा और आर किसके होगा. अगर नहीं पता है तो फिर से हम बता देते हैं कि इज का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए होता है. किसके लिए? सिंगुलर नाउन के लिए होता है, जबकि एम का प्रयोग एक्सेप्शन में है, अपवाद है, ये आई के साथ ही होगा. आर का प्रयोग सेकेंड पर्सन, क्या सेकेंड पर्सन यानी कहे तो प्लुरल नाउन के लिए होता है. किसके नाउन के लिए? प्लुरल नाउन या प्रोनाउन के लिए इसका प्रयोग होता है. आपको ये भी पता होगा कि बी का प्रयोग जो होता है होना, बनना, रहना, ठहरना, चलना के अर्थ में हम इनका प्रयोग करते हैं. तो ये स्ट्रक्चर ही बताता है कि कभी कोई व्यक्ति और वस्तु के कोई योजना बनाया हो कि हम ये इस समय में हम ये करने वाले होंगे या करेंगे, तब हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं. और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था Shall will be plus able to be plus noun pronoun adjective, तब पर भी हम वही बात बताता था, लेकिन जब तब हम उसके ability की बात चर्चा किए थे उस structure में. और इस structure में योजना बताएगा, क्या बताएगा इस structure? plan बताएगा. क्या बताएगा? plan यानी योजना बताएगा. योजना ही स्ट्रक्चर बताता है. चलिए अब इसका हिंदी अब खूबी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि राजू इज टू बी अ इंजीनियर, सॉरी एन इंजीनियर होगा. क्या होगा? एन इंजीनियर. राजू है जो एक इंजीनियर बनने वको है या बनने वाला है या बनने की इरादा है या बनना उसका तय है. तो इस तरह हम सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं इस स्ट्रक्चर का. उसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि रानी रानी इज टू बी अ डांसर. रानी एक डांसर बनने को है. इसी तरह हो गया. उसी तरह का वस्तु की भी चर्चा हमने किए थे, तो वस्तु का भी चर्चा कर लेते हैं कि यह मार्कर जो है लाल होने को है. तो द मार्कर इज टू बी रेड.
इसे यह मार्कर जो है लाल होने को है, या इसी को हम इस तरह एक सेंस एक सेंटेंस इसकी भिन्न भिन्न हिंदी हो जाते हैं, लेकिन वो भी हिंदी क्या बताता है, योजना ही बताता है। जैसे बोलेंगे कि दिस मार्कर इज टू बी रेड, यह मार्कर लाल होने को है, अब इसी को हम बोल सकते हैं यह जो मार्कर है लाल होने वाला है, या ये जो है मार्कर है लाल होने का, इसका लाल होना तय है। तो हम इस तरह के सेंस इस एक सेंटेंस को हम इतनी तरह से इसका सेंस निकाल सकते हैं। तो आई होप दैट कि आपको यू नो वेरी वेल दैट यू आर कॉम्प्रिहेंडेड दिस स्ट्रक्चर केयरफुली, आप इस स्ट्रक्चर को बखूबी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, वही मैंने इंग्लिश में बोला। और इसी को अगर आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर का ड्रिल। हमने जितने भी वीडियो में बताए हैं सब में हम एक स्ट्रक्चर को 6 फॉर्म में उसको ड्रिल करते थे, और आज भी हम उस स्ट्रक्चर को जो हमने स्ट्रक्चर अभी बताया उसका भी ड्रिल करेंगे। तो आइए हम स्ट्रक्चर को ड्रिल करते हैं। पहला स्ट्रक्चर था कि सब्जेक्ट, क्या था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब है, यही स्ट्रक्चर है। इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव नेगेटिव बना रहे हैं। अफर्मेटिव नेगेटिव होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट शुरू में लगाइए, उसके बाद टू बी रखिएगा, उसके बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब आएगा। ये हो गया आपको अफर्मेटिव नेगेटिव। उसके बाद बनाइए इंट्रोगेटिव के अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये हो गया। और इसको हमको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा, तो हम क्या करते हैं इज एम आर को इसी तरह रहने दीजिए, प्लस सब्जेक्ट और टू बी के पहले लगा दीजिए नॉट प्लस टू बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये हो गया आपको ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया। तो इसके बाद बारी आती है डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन की। तो डब्ल्यू एच वर्ड आपको बखूबी बता चुके हैं कि डब्ल्यू एच वर्ड उसके बाद जो एक्सिलरी वर्ब है उसको रखिए, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस अभी इसको डब्ल्यू एच वर्ड का अफर्मेटिव बनाते हैं, यानी सकारात्मक वाक्य बनाते हैं, क्वेश्चन जो पूछते हैं सकारात्मक में पूछते हैं, तो उसको हम आप नॉट नहीं देंगे, डायरेक्ट टू बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब। तो इस तरह, और इसका नेगेटिव बनाना होगा तो टू बी के पहले नॉट लगा दीजिए, हो जाएगा। और आपको हमने ये भी बता चुके हैं कि जब हमको इज एम आर और नॉट को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है तो इज को इजंट करिए, क्या कीजिए, इजंट कीजिए, आर एम को एम को ध्यान दीजिए, एम एक्सेप्शन होता है, अगर एम कभी बोलना हो तो एरेंट ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एरेंट ही बोला जाता है, ये एक्सेप्शन है। और आपको बखूबी पता है कि एम एक्सेप्शन आई के साथ ही आता है, और उसके बाद जब इसको ये जो एरेंट होता है ये क्वेश्चन टैग का आती है, लेकिन इसको शॉर्ट में बोलने को एम नॉट को शॉर्ट में बोलने के लिए एरेंट बोला ही जाता है, और आर नॉट को तो एरेंट ही बोलेगा। तो इसी तरह हम
सभी जहां जहां आर नॉट एम है, आर नॉट एम नॉट इज नॉट, तो उसको हम इजंट में, एरेंट में और एम नॉट को भी एरेंट में बोल सकते हैं। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, तो एक हम कोई एग्जांपल लेंगे, एक सेंटेंस लेंगे और उसको हम 6 फॉर्म में ड्रिल करेंगे। तो आइए अब हम ड्रिल करते हैं। आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाला वीडियो आपके पास पहुंचे, और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक मेरे दोस्तों को, आपके दोस्तों को अधिक से अधिक फायदा हो। चलिए आज हम एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे कोई सेंटेंस लेते हैं कि यह पेन लाल होने को है, या तुम डॉक्टर बनने वाले हो या बनने को हो। जैसे आप डॉक्टर बनने को है को हो, तो इस तरह के जैसे आप डॉक्टर बनने को हो, आप डॉक्टर बनने वाले हो, आप डॉक्टर बनने के मन बना लिए हैं, तो इस तरह सेंटेंस को हम डायरेक्ट बना सकते हैं कि यू आर टू बी अ डॉक्टर। क्या बना, यू आर टू बी अ डॉक्टर, इसका मतलब ही हो जाता है आप डॉक्टर बनने को हो, या आप डॉक्टर बनने की मन बना लिए हैं, या आप डॉक्टर बनने वाला है। तो यह सब एक ही सेंस देता है। अब इसका हम अब इसके बाद हम इसको अफर्मेटिव नेगेटिव बनाते हैं। तो यू आर नॉट टू बी अ डॉक्टर, डॉक्टर आप इसको चाहे तो आर नॉट को एरेंट भी लिख सकते हैं। और इसको आप बनाते हैं इंट्रोगेटिव, तो आर को शुरू में लाइए, उसके बाद यू रखिए, उसके बाद टू बी और डॉक्टर हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना ना भूलिएगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव आता है, तो आर यू नॉट टू बी अ डॉक्टर, अगर इसको चाहे तो यहाँ पे आर नॉट जो है इसको हम एरेंट भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। तब लिखिएगा एरेंट यू टू बी अ डॉक्टर, एरेंट यू टू बी अ डॉक्टर, और इसी को डब्ल्यू एच वर्ड बनाए, तुम क्यों डॉक्टर बनने को हो, तब लिखेंगे कि वाई आर यू टू बी अ डॉक्टर, डॉक्टर तुम डॉक्टर क्यों बनने को नहीं हो, यानी किसी से तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनने वाला हो। तो इस तरह के हम सेंटेंस को इस तरह भी लिख सकते हैं कि वाई आर यू नॉट टू बी अ डॉक्टर, इस तरह हो गया, या इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि why aren't you to be a doctor, तुम इस तरह किसी भी सेंटेंस को 6 फॉर्म में हम आसानी से बदल सकते हैं। चलिए अब हम कन्वर्सेशन की बात करते हैं। अगर इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाए, अगर नहीं दब रहा है तो चैनल पे कूद जाइए, चैनल पे मत कूदिए, बेल आइकन बटन पे और सब्सक्राइब बटन पर कूदिए और बटन मोबाइल को तोड़ दीजिए। चलिए अब हम कन्वर्सेशन की बात करते हैं। कन्वर्सेशन देखिए, कन्वर्सेशन आज का बड़ी मस्त हो, बहुत अच्छी होगा। चलिए आज की कैरेक्टर लेते हैं, रेखा और रामू, आज के हमारे कैरेक्टर है, मेहमान है। चलिए रेखा पूछता है, क्या तुम मेरे
लौहर बनने को हो, बनोगे, लौहर बनने वाले हो, क्या तुम मेरा लौहर बनने वाले, क्या तुम मेरा प्रेमी बनने वाले हो। तो इस तरह पूछ सकता है कि आर यू टू बी माई लवर, क्या तुम मेरा प्रेमी बनने को हो। रामू कहता है यस माई डियर हनी, यस माई डियर आम, एम को शॉर्ट फॉर्म में, आई एम को शॉर्ट फॉर्म में आम भी बोला जाता है। तो आई एम टू बी योर लवर, मैं तुम्हारा प्रेमी बनने को हूं, यानी बनने का मन बना लिया है। फिर इसको ए से इंडिकेट करते हैं और इसको बी से। फिर ए मीन्स रेखा पूछती है तुम मेरा प्रेमी कैसे बनने को हो, तुम मेरे प्रेमी कैसे बनने वाले हो, अब वो किस तरह बनेगा तू बताएगा। देखिए या उसको इस तरह, तुम मेरा प्रेमी क्यों बनने वाले हो, क्यों बनने वाले हो, तो इस तरह फिर क्वेश्चन करेगा कि why are you to be my lover। जवाब देता है बी एक्चुअली दरअसल बात यह है कि I love you, मैं तुमसे प्यार करता हूं इसीलिए तुम्हारा अति लवर बनने को हूं। तो इस तरह हम किसी भी सेंटेंस को छह फौरे बदल दीजिए, उसके बाद कन्वर्सेशन कीजिए, और कन्वर्सेशन ज्यादा बेहतर होता है जब कभी आप किसी के साथ डिबेट करते हैं या किसी के साथ डिबेट कीजिए या किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं, तभी आप क्वेश्चन पूछने के लिए आपको इस कन्वर्सेशन पर ज्यादा पकड़ होना चाहिए। जब पकड़ हो कन्वर्सेशन पर होगा तो आसानी से आप किसी के साथ डिबेट कर लीजिएगा, और अगर स्ट्रक्चर पर आपको कमांड है तो आप कभी भी रिटेन में कभी भी धोखा मत खाइएगा, और आसानी से किसी भी अच्छे अच्छे पैराग्राफ ऐसे को आप अच्छे से इंजा उसको रिटेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और अब अच्छी खासी नंबर भी उसे उठा सकते हैं। तो एक और इसका ले लेते हैं, एक और कन्वर्सेशन बना देते हैं कि जैसे क्या तुम डॉक्टर बनने वाले हो, एक मिनट, आर वी, क्या हम लोग एक स्टूडेंट बनने को है, एक अच्छे स्टूडेंट बनने वाले है, तो आर वी टू बी अ गुड स्टूडेंट, स्टूडेंट्स कर दीजिए, क्या हम लोग एक अच्छे स्टूडेंट बनने वाले हैं। तो बी जवाब देता है, कहता है कि यस वी आर टू बी गुड स्टूडेंट्स, यस हाँ हम लोग अच्छी दोस्त अच्छे स्टूडेंट बनने वाले हैं, एग्जाम दिया होगा बढ़िया, अच्छी खासी नंबर लाया होगा, तो अच्छी स्टूडेंट बनने को हो। तो इसी के साथ आज हम लोग क्लास को यहीं पे रोकेंगे, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।